भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 56वें दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर टी महापात्रा जी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए के सिंह जी, आईसीएआर के पूर्व निदेशक प्रोफेसर बी एल चोपड़ा जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, आज इस समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों, अभिभावकों एवं परिवारजनों को भी बधाई देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन एवं त्याग के बल पर ही आप सब इस मुकाम तक पहुँचे हैं। एक सौ बारह वर्षों से कृषि क्षेत्र को योगदान दे रहे पूसा संस्थान के विद्यार्थियों के रूप में आप सभी को एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली हरित क्रांति में इस संस्थान की अहम भूमिका रही है। यहाँ के पूर्व छात्रों में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर संजय राजाराम और डॉक्टर एस के बासल जैसे विश्व में सम्मानित कृषि वैज्ञानिक शामिल हैं। डॉक्टर वी एल चोपड़ा, डॉक्टर आर एस परोदा और डॉक्टर वी पी सिंह जैसे कृषि वैज्ञानिकों ने यहाँ अध्यापन किया है और अपने अनुसंधानों के द्वारा कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज मैं आप सबके बीच में आकर के कुछ मेरी पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो गई, जब मैं बिहार का राज्यपाल था। बिहार में भी पूसा के नाम से एक संस्थान है और एक पहले मेरी अवधारणा थी, जो मैं कभी कभी व्यंग में माननीय मंत्री जी से शेयर किया करता था। मैं मंत्री जी को कहता था कि दिल्ली का जो पूसा इंस्टीट्यूट है वो सबसे पुराना है। मंत्री जी कहते थे, नहीं, बिहार का जो पूसा इंस्टीट्यूट है ओरिजिनल वही है। लेकिन ये बात मुझे सच तब लगी जब मैं बिहार का राज्यपाल बना और मुझे लगता है शायद दो तीन बार उस पूसा इंस्टीट्यूट में जाने का अवसर मिला, तब मुझे पता लगा कि ये इंस्टीट्यूट वे बैक 1905 में वहाँ स्टार्ट हुआ था और एक अंग्रेज जिसके नाम से वो रखा गया था, फिलिप ऑफ यूएसए, वो पूसा बना। इसलिए मैं उस स्मृति को आज यहाँ आकर के आपके बीच में मैं पुनः प्रसन्न, अधिक प्रसन्न हुआ। एक सौ जैसा बताया गया 112 वर्षों से कृषि क्षेत्र को आपका संस्थान योगदान दे रहा है। मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ 14 देशों के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि ये संस्थान हमारे पड़ोसी देशों म्यांमार और अफगानिस्तान में उच्च कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के विकास में मदद कर रहा है। मुझे बताया गया है कि आज देश में लगभग 276 मिलियन टन अनाज, 300 मिलियन टन बागवानी फसलों, 164 मिलियन लीटर दूध और 11 मिलियन टन मछली का उत्पादन हो रहा है। जहां पहले हमें खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था,
वहीं आज हम जरूरतमंद देशों की मदद कर रहे हैं। यही नहीं, हम कृषि उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। इस बदलाव के पीछे हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के साथ साथ सरकार की नीतियों और आप जैसे कृषि विशेषज्ञों का विशेष योगदान है। इस योगदान के लिए मैं आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि इस संस्थान द्वारा विकसित बासमती किस्मों के निर्यात से करीब 18,000 करोड़ रुपया सालाना विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इस संस्थान द्वारा विकसित आम्रपाली एवं मल्लिका नामक आम की हाइब्रिड प्रजातियों से उड़ीसा और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों के किसानों की आय को बढ़ाने में बहुत सहायता मिली है। ये प्रजातियां 15 से अधिक राज्यों में लगाई जा रही हैं। इन प्रजातियों की बागवानी सूखी और बंजर जमीनों में भी की जा सकती है, जहां दूसरी फसलों की खेती बहुत कठिन होती है। इस संस्थान द्वारा विकसित अनेक प्रजातियों के योगदान से देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इस संस्थान द्वारा विकसित सब्जी की किस्मों से देश में खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है। आज राष्ट्रीय मिशन के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे नीम कोटेड यूरिया की टेक्नोलॉजी का विकास भी इसी संस्थान ने किया है। इस संस्थान के अनेक सराहनीय योगदान रहे हैं, जिनमें से कुछ का ही मैंने उल्लेख किया है। प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी ने कहा था कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। यह बात आज भी प्रासंगिक है। आज किसानों की आय और ग्रामीण क्षेत्र के सारे पहलुओं को सुधारना पूरे देश की प्राथमिकता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी विद्यार्थियों ने कृषि क्षेत्र को अपने भविष्य का रास्ता चुना है। इस संस्थान के आप सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा का उपयोग किसानों के कल्याण और कृषि के विकास के लिए करते हैं। आज पूरा देश सन 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के समय किसानों की आमदनी को दुगना करने की दिशा में प्रयासरत है। इस प्रयास में योगदान देने के लिए आप सभी विद्यार्थियों में पर्याप्त क्षमता है। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे देश की आबादी के अनुपात में खेती लायक जमीन और जल संसाधन की अपेक्षाकृत कमी है। इसलिए कम से कम पानी के इस्तेमाल से अधिक पैदावार करने तथा जमीन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर इनोवेशन करते रहने की आवश्यकता है। बीज से बाजार तक खेती की पूरी प्रक्रिया में इनोवेशन के अपार अवसर है। इन अवसरों का उपयोग करके आप सभी विद्यार्थी कृषि विकास को बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां किसानों में जागरूकता पैदा करने के बाद उन्होंने इनोवेशन को उत्साह के साथ अपनाया है और अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। मुझे अनेक राज्यों के ऐसे उत्साही और सफल युवाओं के बारे में जानकारी मिली है, जिन्होंने उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद परंपरागत खेती से अलग कुछ नया करने का जोखिम उठाया। उन युवाओं ने फल फूल सब्जी के साथ रबी और खरीफ फसलों की खेती भी ऑर्गेनिक तरीके से शुरू की। आज उनके रेड राइस फलों और फूलों की मांग विदेशों में भी होने लगी है। ऐसे युवाओं से हमारे अन्य किसान भाई बहनों को भी प्रेरणा मिलती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए
केंद्र और राज्य सरकारों के इन कार्यक्रमों का बेहतर लाभ उठाकर आप सबको कृषि पर आधारित स्वरोजगार शुरू करना चाहिए। मुझे जानकारी दी गई है कि संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को कृषि से जुड़े उद्योगों में अध्ययन के लिए थोड़े समय के लिए भेजा जाता है। यहाँ के विद्यार्थियों को कृषि क्षेत्र में अपना उद्यम शुरू करने में सहायता देने के लिए संस्थान द्वारा इनोवेशन सेंटर अथवा इक्यूबेशन सेंटर शुरू करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों की अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनमें कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को विशेष प्रोत्साहन देने के प्रावधान हैं। इसके अलावा मुद्रा योजना जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे कर्ज लिया जा सकता है। बहुत से वेंचर कैपिटल फंड हैं जो कृषि पर आधारित उद्यमों में निवेश करने के लिए आगे आ सकते हैं। स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विद्यार्थियों का निरंतर पारस्परिक संवाद स्थापित करने में इस संस्थान को सहायता करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के व्यवहारिक प्रयासों के आधार पर यहाँ के आप सभी विद्यार्थी अपनी योग्यता का उपयोग करने, जीविका चलाने और दूसरों को रोजगार देने के लिए अपना उद्यम शुरू कर सकेंगे। मेरा मानना है कि आज इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी अपनी दिशा तय करने के साथ साथ देश के कृषि विकास में भी अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। हमारे किसानों की खुशहाली ही आपकी शिक्षा की सार्थकता का मापदंड है। आप सभी में किसानों के लिए चेंज एजेंट बनने की क्षमता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश को कृषि के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचाने के लिए आप जैसे प्रशिक्षित विद्यार्थी आगे आएंगे और इस संस्थान में अर्जित अपने ज्ञान और कौशल को किसान के हित में समर्पित करेंगे। मैं एक बार फिर सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और इस दीक्षांत समारोह से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज पदक हासिल करने वाले अध्यापक और विद्यार्थी विशेष सराहना के पात्र हैं। मैं आप सभी के भविष्य सफल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।